चांदीवली विधानसभा के विधायक दिलीप मामा लांडे प्रचार प्रसार गति पर। एक और बात, जहां तक कि कहा जाए चांदीवली विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी माना गया है, तो किस तरीके का प्रसार मिल रहा है? जी मैं आपको यही कह रहा हूं कि धर्म प्रांत ये सब बाजू में रखो, आप जिसकी बात कर रहे हैं उन लोगों को मालूम हो गया, 20 साल में यही कहते थे कौम के नाम पे धर्म के नाम पे वोट दीजिए, प्रांत के नाम पे वोट दीजिए, इस्लाम खतरे में, भाई को वोट देना है, बहुत 20 साल वोट दे दिया, अभी सबकी आँख खुल गई है, उनको सब दिख रहे हैं कि विकास का चश्मा लगाया ला, विकास का चश्मा सभी प्रांत के लोगों को, सभी जाति भेद के लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके विकास किया, अभी सभी के नज़र में, सभी के आँख के ऊपर इसका पहले चश्मा बदली करो, तो ये चश्मा बदली करके अभी विकास का चश्मा लगाया है, इसलिए लोग जात प्रांत पार्टी ये सब भूल गए, लोग एक ही कहते हैं कौम के नाम पे नहीं है, काम के नाम पे वोट देना है। लोकसभा में हम लोग थोड़े ना गाफिल थे, मतलब 400 प्लस हम लोग थोड़े ये थे, अभी मराठी में कहे ना तेजा वचपा आम्ही काढणार आता, इसीलिए हम लोग पूरा दिल से जान से तन मन धन से लगे हुए हैं, लोकसभा का बदला हमको अभी लेना है और ये बदला हम लेके ही रहेंगे। सरकार ने जो लाडली बहन योजना चलाई इससे आप कहाँ तक संतुष्ट? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, 60 साल कांग्रेस की सरकार थी लेकिन आज तक कोई भी महिला को कुछ नहीं मिला था लाभ, जो गरीब घर के सब महिला जो है 41,000 महिलाओं को चांदीवली से इस योजना का लाभ मिला है, 7,500 उनके अकाउंट में पैसा आ गया है, सब लोग बहुत खुश है और इसका परिणाम आप लोग आगे देखेंगे। कोई काही केलं या चांदीवलीवर भगवा झेंडा मी फडकावणारच, मामाला मी जिंकवणारच, कारण का सगळ्या महिला खुश आहेत, आम्ही प्रचार करतोय आम्हाला माहिती आहे आणि मामा जिंकून येणारच। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मुंबई चांदीवली विधानसभा के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दिलीप मामा लांडे का चुनाव प्रचार प्रसार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दिलीप मामा लांडे ने चांदीवली के सुंदरबाग इलाके में पदयात्रा की, वहीं सुंदरबाग के भाजपा के पूर्व नगर सेवक हरीश जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिलीप मामा का जोरदार स्वागत किया। देखिए एक रिपोर्ट। चांदीवली विधानसभा अंतर्गत सुंदरबाग का यह इलाका जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं महायुति प्रत्याशी यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी वर्तमान विधायक दिलीप मामा लांडे का एक जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है इस सुंदर बाग इलाके में। हम आपको बताना चाहेंगे आज चाहे भारतीय के बीच नज़र आ रहे हैं चांदीवली विधानसभा के विधायक दिलीप मामा लांडे जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इन गत 2019 में चुनाव जीतने के बाद एक अप्रत्याशित कार्य रहा है इनका और लोगों के बीच में कहीं न कहीं कहा जाए सराहनीय कार्य रहा है, ताकि जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ जो स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे, सुंदर बाग का इलाका है जहाँ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। लगातार जो कहा जाए 2019 के चुनाव जीतने के बाद इन्हें अपने लोकप्रियता को बढ़ाया दिलीप मामा लांडे ने, काफ़ी कार्यों से अपनी एक पहचान बनाई। हालांकि अगर कहा जाए चांदीवली विधानसभा में जो 20 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य नहीं हुआ उन कार्यों को महज 5 वर्षों में पूरा किया है दिलीप मामा लांडे ने। आज लोगों के बीच 2024 के चुनाव में एक बार एकनाथ शिंदे गुट से प्रत्याशी के रूप में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोकप्रियता यानी लोकप्रिय रहे हैं दिलीप मामा लांडे लोगों के बीच में। आज तमाम महिलाएं या पुरुष जो भी कहें, आज जोर चांदीवली विधानसभा के सुंदर बाग स्थित साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक दिलीप मामा लांडे। पूजा अर्चना करने के बाद दिलीप मामा लांडे बाहर आते हुए एक लगातार आपके द्वारा जो कहा जाए पदयात्रा की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है, किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? 20 साल में नहीं हुआ था, वो 3 साल में हुआ है, इसलिए सभी लोगों का विश्वास काम के ऊपर है,
इससे पहले तो कौम के नाम पे, प्रांत के नाम पे लोगों को बुलाए जाते थे, लोगों को कहा जाते थे, लेकिन मैं 30 साल के अंदर सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को विश्वास में लेके चांदिवली में विकास और चांदिवली के लोगों को मान सम्मान, इसके साथों साथ लोगों को विश्वास में लेके चांदिवली का 3 साल के अंदर जो लोगों को ज़रूरत थी वो विकास लोगों के सामने रखा हूँ, किया हूँ और करते रहूँगा। 2019 की बात करें, 2024 की बात करें, तो किस तरीके से दोनों में अंतर देख रहे हैं आप? 2019 के पहले ओनली जात प्रांत पे चल रहे थे, विकास नहीं हुआ था, लोगों को मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला था, लेकिन जब मैं 2019 में सभी लोगों ने एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण उठा के उनका और उनके परिवार का आशीर्वाद मेरे सर पे रखा, उसके बाद जिन लोगों को जिस मूलभूत सुविधा की ज़रूरत थी वो काम पूरा करके दिया हूँ। चुनाव के माध्यम से, चुनाव के दरम्यान जो लोगों को कहा था वो पूरा काम मैं पूरा करके दिया हूँ। एक भी ऐसा काम रहा नहीं कि भाई वो एक बार वापस चुन के दीजिए, करता हूँ। लोगों को जो प्रॉमिस किया था, लोगों को चुनाव के माध्यम से जो कहा था, हॉस्पिटल हो, रास्ते हो, खेलने का मैदान हो, पानी का समस्या हो, वो सभी लोगों के सामने ला के रख दिया है, लोगों के लिए, हित के लिए दिया हूँ। और अभी चांदिवली का विकास, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अपने चांदिवली के अंदर हमारे बच्चों लोग के लिए एक कॉलेज बनाना है, डिग्री कॉलेज हो, या आपको सभी बच्चे लोग के लिए, गरीब बच्चे लोग के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, इसके लिए गवर्नमेंट के पैसे से ट्रेनिंग कॉलेज बनाना है, उस ट्रेड के माध्यम से लोगों को विकास होएगा, उनको बिजनेस मिलेगा, उस हिसाब से काम करना है, वो काम चालू है, शुरू है और करते रहूँगा। एक और बात, जहाँ तक कि कहा जाए चांदिवली विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी माना गया है, तो किस तरीके का प्रसाद मिल रहा है? जी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि धर्म प्रांत ये सब बाजू में रखो, आप जिसकी बात कर रहे हैं उन लोगों को मालूम हो गया, 20 साल में यही कहते थे कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दीजिए, प्रांत के नाम पे वोट दीजिए, इस्लाम खतरे में, भाई को वोट देना है, बहुत 20 साल वोट दे दिया, अभी सबकी आँख खुल गई है, उनको सब दिख रहे हैं कि विकास का चश्मा लगाया, विकास का चश्मा, सभी प्रांत के लोगों को, सभी जाति भेद के लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके विकास किया हूँ। अभी सभी के नज़र में, सभी के आँख के ऊपर इसका पहले चश्मा बदली करो, तो ये चश्मा बदली करके अभी विकास का चश्मा लगाया है, इसलिए लोग जात प्रांत पार्टी ये सब भूल गए, लोग एक ही कहते हैं कौम के नाम पे नहीं है, काम के नाम पे वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी के एक सिपा सलार हैं, एक अच्छे नेता के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है, पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं, क्या स्थिति है दिलीप अमालांडी? हम लोग यहाँ पे 101 टक्का नहीं, 1001 टक्का दिलीप मामा 23 तारीख को आमदार बन रहे हैं, और आमदार तो बन ही रहे हैं, लेकिन हम कल सीएम साहब आए थे और सीएम साहब को हमने ये भी बोला हम 50,000 का लीड देंगे, लेकिन हमारे चांदिवली में लाल बत्ती आना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। और आप देख सकते हैं पूरा चांदिवली में, पूरा चांदिवली में गली गली में सब पदयात्रा हो ही रहा है, लेकिन 2 साल तो कोरोना में गया, 3 साल जो दिलीप मामा को उनको मिला है, आप अंधेरी कुर्ला रोड ले लो, काजूपाड़ा का रोड ले लो, 290 बेड का हॉस्पिटल ले लो, क्रीड़ा संकुल ले लो, मतलब ये जो 20 साल में काम नहीं हुआ है वो ये 3 साल में हुआ है। और जनता ना जात पे जाने वाली है, ना धर्म पे जाने वाली है, ना किसी भी मज़हब पे नहीं जाने वाली है, जनता को विकास चाहिए और विकास ही हमको चुनाव जिताने वाले हैं। तो आपने देखा है चांदिवली विधानसभा के विधायक थे दिलीप मामा लांडे, जिनका ये कहना है कि उन्हें जात धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं चाहिए, उनके द्वारा किए गए कर्मों के नाम पर उन्हें
वोट चाहिए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।